तो जब साहब EIIF के महासचिव हुआ करते थे उस वक्त भी पूरे में कर्मियों ने सबसे बड़ी हड़ताल लगने पर सेंट फोर में की थी। उसका अगला दस्ता एलासा रहा था। एलासा के लोग 50,000 डिप्टी मैनेजर थे, 10,000 नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए थे। मीसा में और एसपा में रेलवे के चालकों को बंद किया गया था। ऐसा इतिहास दोहरा रहा है। और जहां मैं खड़ा हूं एक समस्तीपुर मंडल इस बिहार की धरती पर 1990 से रेल में है, 9 साल डिस्मिस रहा, 1 दर्जन FIR, 3 बार जेल गया, मुकदमा लड़ करके वापस कुछ नहीं करते। आज 90 पायलट भी है, एयरफोर्स के लिए है। कई सरकार के खिलाफ कालाशाही के खिलाफ लड़ाई करने के कदम वाला ऐसा क्या है। रेलवे पर बहुत से संगठन है, रिकॉग्नाइज यूनियन EIIF है, NFIR है, ये संगठन आज तक चुकी EIIF के लोगों ने जो सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे, जो इन्होंने ही एमपीएस के पश्चिम बोर्ड का इनका मेंबर हुआ करते थे, इनके उस समय के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, और ये लोग अब क्या, जब बंधु जी के नेतृत्व में पूरे देश में जब आंदोलन शुरू हुआ, जब आपने हिमाचल में झटका दिया, अभी अभी कर्नाटक में झटका दिया, और मुंबई की बारी है, इज्जत नहीं बचने वाली है। इन्होंने 23 जनवरी को दिल्ली में कन्वेंशन किया और कन्वेंशन करके आयोजन करके प्रोग्राम बनाया। जे इनका NJCA नेशनल जॉइंट कमीशन फॉर स्ट्रगल NJCA इनका संगठन है, फिर एक संगठन बनाया JFROPS ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ऑल पेंशन स्कीम। कार्यक्रम चल रहा है दोस्त, लोग नहीं जा रहे हैं। 13 लाख आर्मी रेलवे के कर्मचारी है, वो 13 लाख कर्मचारी
سکنے کی ضرورت ہے آپ کو سر کو بڑھانے کی ضرورت ہے